एलएसी पर चीन की कमर तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया गया है। भारत इजरायली मिसाइल रैम्पेज करेगा तैनात, यह हवा से जमीन पर विनाशक स्ट्राइक करने में सक्षम। गाइडेड मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है। हमारे संवाददाता गौरव जुड़ रहे हैं तवांग से, आप तक ज्यादा खबरें पहुंचा रहे हैं, वो वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताया उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट किया है, किस तरीके से अब भी वहां की फिजा में तनाव महसूस किया जा सकता है और कैसे सेना का मनोबल ऊंचा है। आज क्या अपडेट है गौरव? देखिए, आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आए और उस पोस्ट तक गए जहां पर इंडिया और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ था, और उसके आने के बाद उन्होंने जो बात कही वो हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल है, हमारे जवान पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद हैं और चाइना कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा जो भारत के खिलाफ हो। तो चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर किरण रिजिजू, कानून मंत्री जो अरुणाचल से भी जिनका संबंध है, और प्लस वो दिल्ली से क्योंकि चलकर आ रहे हैं यहां पर उस पोस्ट तक, तो ये दोनों बताता है कि न केवल भारत की तैयारियां बल्कि भारत की सरकार भी कैसे सेना के साथ इस वक्त डटकर खड़ी है। लेकिन उधर क्या चल रहा है गौरव? जोश बिल्कुल हाई है। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की उधर क्या चल रहा है वो भी जान लेना बहुत आवश्यक है। गौरव, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने जो बताया कि वहां पर हमारी तैयारियां पूरी हैं और मनोबल भी पूरा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को उसकी हर एक हरकत पर निगाह रखनी आवश्यक है।